The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So we are talking about ureteroscopy. Ureteroscopy का मतलब है कि एक छोटी सी दूरबीन एंडोस्कोप आपके पेशाब के रास्ते से डाला जाता है अंदर अंदर यूरेटर से डाला जाता है और यूरेटर मतलब वो ट्यूब जो आपके ब्लैडर को किडनी से कलेक्ट कर रही और यूरेथ्रा आपके पेनिस के अंदर जो ट्यूब है वो यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रा से ब्लैडर में ब्लैडर से किडनी तक ऊपर तक जा सकते हैं यूरेट्रोस्कोपी से उस स्कोपी से क्या देखा जाता है अंदर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्या नहीं है इससे डायग्नोस करने में इवन ट्रीट करने में हेल्प मिलती है यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो कोई प्रॉब्लम हो कोई किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम हो या स्ट्रिक्चर हो या उसमें बंद पड़ा हो कोई भी ऐसी चीज़ हो तो यूरेट्रोस्कोपी को यूरेट्रोस्कोप से इन्हें छोटी सी फ्लेक्सिबल ट्यूब डाली जाती है जिसमें कैमरा भी और मूवेबल होती है बाहर से ऐसे ऐसे हिलाते हैं बेसिकली पबजी खेलते हैं ऐसे 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 अंदर जाते हैं ठीक है और शूटिंग नहीं करते बस डायरेक्शन वो क्या स्पीड नीड फॉर स्पीड खेलते हैं सो इसको टाइम लगता है एक घंटे के आसपास इसमें आपको बेहोश किया जाता है जनरल एनेस्थेटिक दिया जाता है ताकि आप सो जाते हो आपको वहाँ पर फिर अंदर से पेशाब के रास्ते से मस्तर से छोटी सी ट्यूब डाली जाएगी छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है ज़्यादातर इसमें कोई रिस्क नहीं होता कायदे से लेकिन ऑब्वियसली बेहोश कर रहे हैं थोड़ा बहुत रिस्क होता है आपको अंदर से ट्यूब डालते हैं पेशाब की नली से अंदर तक उसमें ये ट्यूब अंदर तक किडनी तक जा सकती है और इसी ट्यूब से अगर वहाँ स्टोन दिख गया बड़ा सा तो उस स्टोन को अंदर ही अंदर तोड़ सकते हैं लेज़र से लेज़र भी होती है ट्यूब में ब्लास्टिंग द लेज़र इनसाइड और वो स्टोन टूट जाता है टुकड़े टुकड़े होकर फिर यूरिन से निकल जाता है तो ये चीज़ आप कर सकते हो यूरेथ्रोस्कोपी से ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है बहुत काम की चीज़ है वैसे हर चीज़ में थोड़े बहुत रिस्क हो तो रिस्क उठाने पड़ते हैं रिस्क क्या है इसको एक्सपीरियंस हैंड में रखना पड़ता है यूरोलॉजिस्ट करते हैं याद रखिए इसमें क्या कर सकते हैं कई बार अगर स्ट्रक्चर है स्टोन है तो तोड़ देंगे छोटा है तो पकड़ के निकाल लेंगे और जैस पकड़ के भी निकाल सकते हैं और स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर को डायलेट कर सकते हैं अलग से मान लो उसको अंदर बलून डाल के बलून से डायलेट कर दिया और फिर एक छल्ला लगा दिया स्टेंट लगा दिया कि पता चला कि रास्ता ही छोटा है चलो पथरी बनती है लेकिन आपका रास्ता इतना छोटा है कुदरती कि बार बार पथरी अटक रही है बार बार दर्द हो रहा है तो रास्ता बड़ा कर दिया तो निकल जाएगा दैट इज़ हाउ इट डन रास्ता भी पूरा रास्ता नहीं एक आधी पॉइंट होता है जो छोटा होता है एक आधा पॉइंट होता है जो स्ट्रक्चर्ड होता है तब वहाँ ये काम आती है तो यूरेथ्रोस्कोपी कितनी मस्त चीज़ है मान लो चीरा मारना नहीं पड़ा ऑपरेशन करना नहीं पड़ा पूरी किडनी खोलनी नहीं पड़ी किडनी काटनी नहीं पड़ी अंदर अंदर से ही चले गए अब किडनी काटने में भी रिस्क है लेकिन अंदर अंदर से जाने में थोड़ा कम है ना है तो सही लेकिन रिस्क तो रहेगा जीरो थोड़ी है ना कि ऐसे जादू थोड़ी आम फट किडनी से स्टोन बाहर मजाक नहीं कर रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे कि ये गोली खा लो किडनी का स्टोन पिघल जाए झूठ नहीं बोलते इधर ठीक है राइट सो इसमें और भी चीज़ें पता चलती है अंदर मान लो कोई ट्यूमर दिख गया कोई ग्रोथ दिख गया कोई कैंसर दिख गया तो पता चलता है मान लो अगर दिख गया तो उसका पार्ट निकाल के चेक कर लेंगे या फिर उसको हिस्ट्री को निकाल लेंगे ट्यूमर ही पूरा तोड़ तोड़ के निकाल लेंगे ये भी पॉसिबल है राइट और मान लीजिए स्ट्रक्चर का तो मैंने बताया ही और बार बार अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका भी डायग्नोसिस इसी से किया जाता है मेक श्योर टू लाइक का बटन दबाना है दबा दबा के दबाते जाना है शेयर का बटन दबाना है जब भी आप टाइम मिलेगा अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट रिस्क क्या है बाकी मैं रिस्क बोला रिस्क तो है रिस्क में क्या है भाई किसी भी सर्जरी का किसी भी एनेस्थेटिक प्रोसीजर का जिसमें बेहोशी करते हैं उसमें रिएक्शन होने का रिस्क है मेडिसिन से ब्लीडिंग का रिस्क होता है क्लॉट का रिस्क होता है इन्फेक्शन का रिस्क होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम का रिस्क होता है तो रहता ही है सबके साथ रहता है हर एक सर्जरी चाहे ओपन करो चाहे ना करो और इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में क्योंकि यूरेथ्रा और किडनी के अंदर नलियों में ट्यूब डाले द ट्यूब इज गोइंग इनसाइड द स्मॉल यू नो ट्यूब्स यूरेटर्स देयरफॉर देयर इज अ लिटिल रिस्क ऑफ इंजरी का रिस्क होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाने का रिस्क होता है दैट इज दैट रिस्क एंड कई बार नैरोइंग का भी रिस्क होता है कि बाहर निकाले इंजरी करके बाद में नैरो हो गई तो पोस्ट नैरोइंग का रिस्क होता है बट देन जिसको बार बार दर्द है बार बार दर्द है बार बार स्टोन है बार बार उसको किया जाता है रिमेंबर दिस राइट सो दैट इज हाउ द स्टोन इज आपको क्या नहीं करना है आपको खाना नहीं खाना है 12 घंटे कम से कम पहले उसके बाद 12 घंटे पहले वो एनेस्थेटिस्ट बताएगा किसी में 12 घंटे के बोलते हैं 18 घंटे खाना नहीं खाना है और कुछ प्रकार की दवाएं खून पतला करने की दवा ले रहे हो एस्पिरिन निकोस्पिरिन तो वो बंद करनी पड़ेगी अगर आपके डॉक्टर अगर बंद कर सकते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है कि नहीं बंद करेंगे तो हार्ट में क्लॉट हो जाएगा किसी के हार्ट में ऑलरेडी क्लॉट है तो वो अलग सिनेरियो है वो अलग चीज़ है ठीक है और आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है आपको और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं प्रोसीजर के बाद आपको 24 घंटे तक रेस्ट दिया जाएगा
24 घंटे का रेस्ट आपको चाहिए होगा, और हो सकता है एक दिन के लिए आपको एडमिट करें, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे जो आप घर में खाओगे, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी। 4 से 6 गिलास ऑफ पानी आपको कम से कम लेना होगा, कम से कम मतलब 8 गिलास 12 गिलास होगा, डाइल्यूट होगा यूरिन, प्रॉपर उसमें से यूरिनरी ट्रैक से निकलेगा। यूरिन से थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है अगले कई दिनों तक, वो नॉर्मल है। इस टेस्ट के बाद थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ा दर्द भी हो सकता है, ब्लैडर में बर्निंग हो सकता है यूरिनरी, वो भी ठीक है। आपको गर्म पानी में, कुनकुने पानी में थोड़े दिन बैठना होगा, उससे ठीक हो जाएगा, वो भी आराम वाली चीज़ है। और अगर छल्ला लगा हुआ है अंदर, तब तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, यूरिन में भी आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता है पेशाब करते वक्त, वो भी है, स्टंट लगा है तो। ज़्यादा दर्द है तो पेन किलर खानी होगी, आपको हफ्ते भर के अंदर अंदर ठीक लगना शुरू हो जाएगा, नहीं लग रहा है तो आपको डॉक्टर से वापस दिखाना है, दैट इज़ द पॉइंट। ऑलराइट, एंड किडनी स्टोन को जब भी इस तरीके से ठीक किया जाता है तो आउटकम बहुत अच्छा आता है, क्योंकि काट के जब करते हैं तब भी ये सारे रिस्क होते हैं, ब्लीडिंग का, इसका, उसका, नहीं काट के करें तो भी ये रिस्क है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर, एक करना चाहिए। इसी को हम यूरिथ्रल स्टोन सर्जरी बोलते हैं, यूरेट्रोस्कोपी बोलते हैं, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट यूरेट्रोस्कोपी, राइट? कोई सवाल?